गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब के सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। दोस्तों आज बहुत ही मजे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयरिंग करने वाली हूं। आज मुझे कहीं से गिफ्ट आया है और वो गिफ्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी और आज आप लोगों को बताऊंगी कि इस टॉपिक पे मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, इस गिफ्ट के अबाउट में आप लोगों को क्या क्या बातें बताने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको वो गिफ्ट दिखाती हूँ और उसके बाद उस गिफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो जी ये रहा वो गिफ्ट। अभी मैं गिफ्ट के ऊपर से जो है वो उठाने लगी हूँ पर्दा, तो आप लोग जरा दिल संभाल के बैठे क्योंकि ये ऐसा गिफ्ट है जो हर किसी का फेवरेट होता है। तो चले जी इस गिफ्ट के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहा जी गिफ्ट। ये आज मुझे मेरे बहनोई हैं, उन्होंने मुझे, ये मेरे जीजा जी थे, उन्होंने मुझे आज ये गिफ्ट किया है। अभी मुझे उन्होंने दिया था तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ले जी ये आज मुझे गिफ्ट आया है। ये इस मैंगो का नाम होता है, इसको बोलते हैं अनवर लटोर, ठीक है। इस मैंगो का नाम होता है, जिनको तो मैंगो की पहचान है उनको तो खुद ही पता चल जाता होगा कि इस मैंगो का क्या नाम है। अच्छा आज आप इस टॉपिक पर बात करते हैं कि मैंगो खाने के क्या क्या बेनिफिट हैं और क्या क्या नुकसान है। आते हैं जी मैंगो। मैंगो जो है वो फलों का बादशाह है, कोई भी इसको खाए बिना तो रह ही नहीं सकता। और खाए बिना रहे भी क्यों, क्योंकि ये होते ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। मैंगो किसी भी कोई भी किस्म का हो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। शेक वाले मैंगो हो या इस तरह के हो या फिर आम को बहुत ज़्यादा किस्म होती है, ठीक है। सब लोगों को पता होगा, मुझे भी पता है, नाम बहुत अजीब से है लेकिन आम की बहुत सारी किस्में हैं जो कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। और आम के जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं लेकिन आम का एक नुकसान भी है, क्योंकि हर बंदे को आम के साथ गर्मी दाने जो है वो बन जाते हैं, फेस के ऊपर, चीक्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर, सबको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है मैंगो खाने से। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा ट्रिक है जिस जो आपको मैंगो के आफ्टर मैंगो आपने खाने के बाद, जितने आप मर्जी मैंगो खाए, बेशक ये पूरी की पूरी पेटी आज आप खा जाए, लेकिन आज आपको ऐसा ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको मैंगो खाने के बाद ना फेस के ऊपर, ना मुंह के ऊपर, ना चीक्स के ऊपर, ना लिप्स के ऊपर कहीं भी आपको गर्मी दाने नहीं बनेंगे। हाँ भाई सही कह रही हूँ, सच्ची में। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और मुझे दुआ में याद रखना है बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमेंट्स में जो भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ आज आपको बताना कि इसको खाने के बाद आपको क्या ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसके साथ आपके फेस के ऊपर पिंपल जो गर्मी दाने हैं वो नहीं बनते हैं। अच्छा एक तो बात ये है कि मुझे भी खाने के, मैं भी जब मैंगो खाती हूँ तो मुझे भी गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इवन कि मैं जब मैं शेक पीती हूँ मुझे तो तब भी समटाइम गर्मी दाने हो जाते हैं। मेरे चीज़ के ऊपर अभी भी थोड़े बहुत ना ये चांद सारे बने हुए हैं लेकिन वो थोड़े से कवर हो जाते हैं। आप पास से देखें तो आपको नजर आएंगे थोड़े से ये बने हुए मेरे। अच्छा तो मैं अभी आपको ये बताती हूँ। अच्छा जी आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना है कि आप लोग जब भी मैंगो खा रहे हैं, दोपहर में, सुबह में, शाम में, रात में, जब भी, पहले तो कोशिश करें कि आप मैंगो दोपहर में लें, रात को ना लें, क्योंकि रात को जो मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ वो तो आपके फिर वॉशरूम्स के चक्कर लगते रहेंगे, क्योंकि उसके साथ जितना आपका अंदर साफ होगा उसी से आप जो पानी भी हम लोग, जो आप आजकल गर्मी है हम लोगों को पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में पीना चाहिए जो कि हम लोग नहीं पीते हैं। ऊपर से जितनी ज़्यादा फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स ज़्यादा हैं आजकल गर्मियों में, तो वो सबके सब गर्म होते हैं, खास करके मैंगो, क्योंकि मैंगो को तो फलों का बादशाह कहा जाता है, इसको खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो इसको खाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपने मैंगो खाने के बाद वो यूज़ करना है और आपके फेस के ऊपर कभी भी गर्मी दाने जो है वो नहीं बनेंगे। मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी मैंगो खाती हूँ, शेक भी पीती हूँ, और लेकिन मैं ये चीज़ें जो है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि आफ्टर मैंगो खाने के आपने क्या करना है, वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है। ये पानी मैंने फुल नहीं भरा इसको, ठीक है, इतना मैंने पानी रखा है। जितना आप इसको ठंडा कर सकते हैं आप इसको ठंडा कर सकती हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं जो है वो नमक ऐड करूँगी, जितना को मुझे नमक चाहिए होगा, सादा सॉल्ट है ये, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मैंने सादा सॉल्ट जो है वो इसमें ऐड कर लिया है, जितना मुझे चाहिए उतना, थोड़ा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक मैंने स्पून ले लिया और इसको सॉल्ट को अच्छी तरह से मैंने मिक्सअप कर लेना है। आप स्पंजी तो पीते होंगे और उसके अलावा आप जामेश्वरी वगैरह भी और पानी भी, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो उन चीज़ों के नहीं हैं, सादे पानी के नहीं हैं। इसके अंदर दूध, यहाँ मैं ऑलपर्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी दूध जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इतना इसमें दूध ऐड कर दिया बस। इसको आम सी ज़ुबान में, सादी ज़ुबान से कहते हैं जी कच्ची लस्सी, ठीक है। ये आप लोगों ने बना के पीनी है, जितने मर्जी आपने मैंगो खाने हैं एक बोतल में आप इसको फ्रिज में रख दें और वक्फे वक्फे के बाद गिलास, डेढ़ गिलास, एक एक घंटे के बाद आपने सारे दिन में
इसको तकरीबन 6 से 7, 8, 10 ग्लास भी आप पी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है इसका। ये खाना में पीनी आपने तभी है जब आपने मैंगो खा लिए होने हैं। ये रहे जी आज की मेरे जो गिफ्ट है, माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी मुझे आए नीचे और मुझे कहने लगे जी आके बेटा जी अपना गिफ्ट रिसीव कर ले, तो ये मैंने गिफ्ट आज रिसीव किया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये गिफ्ट। तो अभी मैंने ये बना लिया है यहाँ पर, अभी इसको मैं करूँगी ठंडा और साथ में पीऊँगी लस्सी और साथ में करेंगे इंजॉय। तो लिए जी यहाँ मैं टोकरियाँ जो है वो बना चुकी हूँ और ये मैं गिफ्ट्स करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे ये गिफ्ट मिला है मेरे बहनोई की तरफ से। और अभी ये जो मेरे जीजा जी ने मुझे गिफ्ट किया है, ये मैं जीजा और बहनोई एक्चुअली एक ही होते हैं, ठीक है। ये अब जो मेरे जीजा जी ने मुझे गिफ्ट दिया है अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि पूरी बेटी तो मुझसे खाई नहीं जाएगी। तो ये मैं आस पड़ोस के लोगों को शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आप लोग भी जब इस तरह से आप लोगों के पास ज़्यादा मिकदार में चीज़ हो तो अपने अपने हमसायों के साथ, अपने नेबर्स के साथ लाजमी शेयर किया करें क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है, बहुत बढ़ती है और सबसे ज्यादा हक जो है वो नेबर्स का होता है। तो जी कैसी लगी आज की आपको वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैंने आपके साथ मैंगो शेयर किए हैं, वैसे तो मैं आपके साथ शेयरिंग कर नहीं सकती, तो आप लोग भी मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने गेस्ट के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, अपने फ्यूचर्स के साथ शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मुझे इतना प्यार देने के लिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।